हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा वीडियो टाइटल है बायजूस वर्सेस वेदांतु। देखिए, बायजू और वेदांतु दोनों ही ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म है और दोनों ही ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर ट्रस्टेड नाम है, लेकिन स्टूडेंट यहां से कंफ्यूज है कि वो अपनी ऑनलाइन एजुकेशन बायजू जैसे प्लेटफॉर्म के साथ ले या वेदांतु जैसे प्लेटफॉर्म के साथ ले। स्टूडेंट के इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं एक कंपैरेटिव वीडियो के साथ। इस कंपैरिजन में कुछ पॉइंट्स हैं। हमारे कंपैरिजन का पहला पॉइंट शुरू होता है वेयर दे स्टार्टेड। तो देखिए, बायजू और वेदांतु दोनों ही 2011 के अंदर बैंगलोर के अंदर एक स्टार्टअप की तरह शुरू किए गए। हु स्टार्टेड? देखिए, बायजू को स्टार्ट किया था बायजू रविंद्रन ने और वेदांतु को स्टार्ट किया था चार दोस्तों ने, वामसी, पुलकित, सौरभ और आनंद ने मिलकर के। व्हाई दे स्टार्टेड? देखिए, बायजू को शुरू किया गया था बच्चों की एजुकेशनल प्रॉब्लम जो कि उनको स्पेसिफिकली मैथ्स के साथ आ रही थी, कम कॉस्ट में बढ़िया एजुकेशन देने के लिए बायजू को शुरू किया गया। वेदांतु को शुरू करने का भी बेसिक ग्राउंड कुछ यही था, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी ज्यादा नहीं है और कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसको सॉल्व करने के लिए वेदांतु को शुरू किया गया। यानी कि वेदांतु को भी कम कॉस्ट में बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए एक स्टार्टअप की तरह शुरू किया गया था। अगला पॉइंट है ब्रांड नेम। देखिए, बायजू का ब्रांड नेम बायजू रविंद्रन ने अपने खुद के नाम पे रखा है, बायजूज लर्निंग ऐप, लेकिन वेदांतु का ब्रांड नेम रखने के लिए काफी सोच समझ के रखा गया। वेदांतु को दो अलग अलग नामों को जोड़कर बनाया गया, वेदा प्लस तंतु। वेदा का मतलब हुआ नॉलेज और तंतु का मतलब हुआ स्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसा ब्रांड जहां पर आपको नॉलेज का स्ट्रक्चर मिलेगा, यह मतलब होता है वेदांतु का। अब इनकी जर्नी की बात करूं तो बायजू और वेदांतु 2011 में शुरू हुए थे लगभग सिमिलर कंडीशंस में, लेकिन बायजू की सक्सेस एक एक्सपोनेंशियल सक्सेस थी, एक नेक्स्ट लेवल सक्सेस थी। इन्होंने 10 साल के अंदर 40,000 करोड़ की कंपनी बना ली, लेकिन वेदांतु की सक्सेस थोड़ी स्लो रही, थोड़ी नॉर्मल सक्सेस रही, इसीलिए वेदांतु थोड़ा कम फेमस हो पाया एज कंपेयर टू बायजू। अब बात करते हैं इनकी सर्विस की। तो देखिए, बायजू और वेदांतु दोनों ही प्री रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन के बेसिक की बात करूं तो बायजू प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए ज्यादा स्टार्टिंग से फोकस करता है, लाइव क्लासेस उन्होंने बाद में शुरू की, लेकिन वेदांतु ने शुरू से फोकस लाइव क्लासेस पे रखा और प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल कराते हैं। अब बात करते हैं इनके कॉन्टेंट की। तो दोनों का ही कॉन्टेंट ईजी है, लेकिन बायजू अपने कॉन्टेंट के अंदर एनिमेशन, ग्राफिक्स, डिजाइन पे ज्यादा फोकस करता है, लेकिन वेदांतु एनिमेशन, ग्राफिक्स और डिजाइन पे थोड़ा कम फोकस करता है। इनके टारगेट मार्केट की बात करूं तो बायजू का टारगेट मार्केट फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास के स्कूल गोइंग स्टूडेंट प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट है, लेकिन वेदांतु का टारगेट मार्केट 4th क्लास से लेकर के 12th क्लास के स्कूल गोइंग स्टूडेंट, कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्लस को करिकुलम एक्टिविटीज भी अभी प्रोवाइड कराने लगे हैं। अब दोनों के 1-to-1 इंटरेक्शन की बात करूं तो दोनों ही प्लेटफॉर्म आपको पर्सनलाइज लर्निंग यानी कि 1-to-1 इंटरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म के टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन करूं तो दोनों के पास ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, दोनों ही काफी अच्छी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करा सकते हैं। दोनों के टीचर की बात करूं तो दोनों के टीचर ही बेस्ट क्वालिटी के टीचर हैं जो अच्छा 1-to-1 इंटरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म पे लैंग्वेजेस में आपको दोनों लैंग्वेज मिल जाएगी, इंग्लिश भी मिल जाएगी, हिंदी में मिल जाएगी और अदर लैंग्वेज भी मिल जाएगी। प्रेफरेंस की बात करूं तो बायजू पे आपको इंग्लिश की प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है, वेदांतु पे हिंदी का प्रेफरेंस टच थोड़ा ज्यादा रहता है। दोनों के विजन स्टेटमेंट की बात करूं तो बायजू का विजन है वर्ल्ड क्लास लर्निंग कॉन्टेंट ये क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वेदांतु का अपना विजन है कि ये री इमेजिन, इवोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर। इनके ब्रांड एम्बेसडर की बात करूं तो बायजू का ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान और वेदांतु ने अभी हालिया में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आमिर खान को। इनके मार्केट वैल्यूएशन की बात करूं तो बायजू का मार्केट वैल्यूएशन काफी बड़ा है, लगभग $12 बिलियन की ये कंपनी है, जबकि वेदांतु की बात करूं तो वेदांतु सिर्फ $280 मिलियन की कंपनी है। अब इन दोनों में से कौन सी कंपनी को आप प्रेफर करते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, इस कंपैरेटिव वीडियो को देख करके आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगता है इसे शेयर जरूर करेगा। फ्यूचर में ऐसे ही छोटे पावरफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। स्टिल एंड गुड बाय, टेक केयर। वीडियो क्लास तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।